और इसकी जो मार्केट प्राइस है वो तकरीबन 1,30,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान इसकी मार्केट वैल्यू देखने को मिलती है। जिसका ये हमारा लैपटॉप जी रैपर से बाहर आ गया, और देख लें यार ये कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज की जो वीडियो है, मैं जानता हूँ इसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि जो मुझे लैपटॉप मिला था जी प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम से, आज मैंने जो है उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए कि आपने लैपटॉप ले तो लिया है लेकिन आपने उसकी ना हमें अनबॉक्सिंग नहीं दिखाई थी। जो आज का जो व्लॉग है ये स्पेशली अनबॉक्सिंग के लिए मैं कर रहा हूँ। उससे पहले चंद एक बातें जो मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे कमेंट्स भी रिसीव हो रहे थे नीचे वीडियो पे कि आपको लैपटॉप किस तरह मिला, किस तरह आपने अप्लाई किया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने जो हैं लैपटॉप रिसीव करते हुए आपने दिए, तो व्यूअर्स बात यह है कि मैंने जब ये स्कीम आई थी ना लैपटॉप की, तो उस टाइम तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जी जब ये फाइनल लिस्ट अपलोड हुई जी, आप जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, वो मैंने लिस्ट वगैरह देखी, तो उसके बाद काफ़ी टाइम तकरीबन आप कह लें कि 3 से 4 महीने, तकरीबन 3-1 महीने, तो उसके बाद कोई रब्ता कोई कुछ नहीं हुआ। और 3-1 महीने के बाद जो है HEC की तरफ से मैसेज आया कि आप जो हैं जाके अपना लैपटॉप रिसीव कर सकते हैं 6 अक्टूबर को। उन्होंने जो है डेट मतलब कि बता रही थी, मेरा गला भी जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल इस वजह से आपको मैं फ्राहम कर रहा हूँ कि चलें आपके लिए आसानी हो जाएगी, कि आपको परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका नाम जो है वो सिलेक्टेड में आ चुका है तो फिर आपको लाजमन मैसेज आ जाएगा HEC की तरफ से। वो बेशक लेट आता है, जब मर्जी आता है, मुझे भी 3 महीने के बाद है। पहले मैं भी जो है परेशान ही रहता था, पता नहीं मेरा लैपटॉप आता है अभी है कि नहीं आता, पता नहीं देते हैं कि नहीं देते, रोज मैंने ऑफिस के चक्कर लगाने सर मैसेज कब आएगा कब आएगा। लेकिन वो मैसेज जो है आ गया था मुझे HEC की तरफ से और मेरी जो परेशानी है वो खत्म हो गई थी। मुझे मैसेज आ गया थी 6 अक्टूबर को लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगी। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन हमारी यूनिवर्सिटी में तो 5 अक्टूबर से शुरू हो गई थी और 6 तारीख को मुझे मिल गया था। मुझे नहीं पता कि आप किस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, या आपने HEC की बेस पे किया हुआ है, या आपने मैट्रिक की बेस पे किया हुआ है, या आप किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपका नाम सिलेक्टेड में आ गए फिर आपको लैपटॉप लाजमी मिल जाएगा। HEC वाले जो नंबर आपने डाला था अप्लाई करते हुए PM यूथ स्कीम 23rd में, जब आप अप्लाई कर रहे थे अपने एप्लीकेशन जो दी थी, एप्लीकेशन के अंदर जो आपने अपना नंबर डाला था ना, उस नंबर के ऊपर आपको HEC का मैसेज आ जाएगा। बस आपको जैसे ही HEC का मैसेज आएगा आपको डेट बता देंगे और उस डेट पे आपने जाके अपना लैपटॉप जो है वो रिसीव कर लेना है। और दूसरा, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे जी डॉक्यूमेंट्स आपने जो है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट कराए। डॉक्यूमेंट्स को इतने ज्यादा नहीं थे, एक आपको वो जब आपको मैसेज आ जाएगा जब आप रिसीव करने के लिए जाएंगे तो आपको एक फॉर्म देंगे वो, ठीक है। उस फॉर्म में आपने अपनी डिटेल्स डालनी है, ठीक है, मतलब आपने अपना नाम लिखना है और फादर नेम वगैरह, मतलब जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है, आपने किस बेस पर अप्लाई किया था, आपका CGPA वगैरह, ठीक है, आपने सारा अपना जो है उसमें अंदर इन्फॉर्मेशन डाल देनी है। और जो भी मुतलका आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, आपने जाके उससे वेरीफाई करवा लेना है। वो आपको स्टंप लगा देंगे, उस स्टंप आपने लगानी है, लगवा के स्टंप, और आपने जो है जो फोकल पर्सन होगा लैपटॉप देने के लिए आपने उसको जमा करवा देनी है। वो वहां पे आपका ओरिजिनल ID कार्ड आपका देखेंगे, और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका स्टूडेंट कार्ड मतलब कि यूनिवर्सिटी कार्ड आपका हो गया, या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं तो कॉलेज का कार्ड आपका देखेंगे, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए। वो देख के जो है वो अपनी वेरिफिकेशन करेंगे और आपको जो है लैपटॉप जिस डेट को आपको बताया गया उस डेट को आपको वो लैपटॉप आपका मिल जाएगा। अच्छा, तो मैं आपको लैपटॉप के बारे में कुछ बताता चलूँ कि जो हमें लैपटॉप दिया गया है जी, है जी लेनोवो का मॉडल V14G3 और 12th जनरेशन है ये। 8 GB रैम और 256 GB SSD इसके अंदर, जो मतलब ये है कि ये एक अच्छा लैपटॉप है और ये अच्छी प्राइस का है यार। अगर आपको 1,30,000 या 1,50,000 के दरमियान की प्राइस का अगर आपको एक लैपटॉप मिल रहा है तो जाहिर है इतनी प्राइस का लैपटॉप जो है वो अच्छा ही होता है। तो चलें आपको ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करते और लैपटॉप की अनबॉक्सिंग करते हैं। चलें जी व्यूवर्स, तो ये हमें मिला है जी प्राइम मिनिस्टर यूथ स्कीम प्रोग्राम 23rd की तरफ से, और ये जी हमारा लैपटॉप है जी लेनोवो का। और इसको जरा खोलते हैं कि ये लैपटॉप कैसा है। अंदर से डब्बा तो यार काफी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। अगर आपको मैं इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन आपको मैं दिखा दूं तो इसका जी लिखा हुआ है जी लेनोवो, 8 GB इसकी रैम है और स्टोरेज इसकी है जी 256 GB SSD इसके अंदर इंस्टॉल है। और ये लेनोवो का V14 मॉडल है जी, V14 अभी जो रिसेंटली आया है मार्केट में। इसकी प्राइस तकरीबन है डिफरेंट कैटेगरीज में इसकी प्राइस देखने को मिलती है मार्केट में। इसकी जो प्राइस है वो है तकरीबन
से लेके जी 1.5 लाख तक, मतलब कि 1,40,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक की मालियत का ये हमारा लैपटॉप है। और साथ हमें जी इसके ये एक बैग मिला है जिसके ऊपर ये लेनोवो का जो है IMEI नंबर वगैरह है। ये आपको मैं इधर हाइड कर रहा हूँ, इसका सिर्फ आपको मैं ब्रांडिंग दिखा रहा हूँ कि जी बैग के ऊपर भी इन्होंने जो है वो लेनोवो की ब्रांडिंग की हुई है। तो चलिए जी व्यूवर्स, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, इसको जो है हम ओपन कर लेते हैं। मैंने इसको जो है सील कट ऑलरेडी मैंने इसको लगा दिया है ताकि मुझे कहीं कट शर्ट ना लगाना पड़े दोबारा से। इसका ज़रा बॉक्स ओपन कर लेते हैं हम और देखते हैं जी क्या क्या चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। पहले जी हमारी आ गई जी डिवाइस, ये निकालते हैं जी इसको। एक मिनट जी यार, मेरे पास ना दरअसल कोई बंदा भी नहीं है जो पकड़ के बैठे इसको, लेकिन मैं चलो मैं पहले इसको ज़रा निकाल लेता हूँ और निकालने के बाद आपको दिखाता हूँ। चलें जी, ये मैंने जो है ये लैपटॉप बाहर निकाल लिए और काफ़ी यार इतना हार्ड किस्म का इन्होंने पैक किया हुआ था ना कि निकल ही नहीं था रहा बाहर। तो यार बड़ी खूबसूरत पैकिंग की हुई है इन्होंने और ये प्रोटेक्टेड शील्ड्स अगर आप देख सकें ये इन्होंने लगाई हुई हैं इसकी दोनों तरफ। तो ये ना ये फोमिक किस्म का मटेरियल है और काफ़ी अच्छा है कि चलो इसमें जो पैकिंग है इन्होंने बहुत अच्छी की हुई थी और चलो ये महफूज है, प्रोटेक्शन इसकी है। चलें हम जल्दी से हम जो है ये रिमूव कर लेते हैं प्रोटेक्शन जो लगी हुई है इसकी साइड पे ताकि हम लैपटॉप को जो है हम ओपन अप कर सकें। ये अभी अंदर भी ये रैपर में है और ज़रा अब इसको ना जो है रैपर से हम निकालते हैं बाहर। ये हमारा लैपटॉप जी रैपर से बाहर आ गया और देख लें यार ये कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है। यार ये काफ़ी स्मूथ है, अगर आप देख सकें तो ये आपको ये आवाज़ आ रही होगी काफ़ी, मतलब मेटेलिक किस्म का इसकी लुक क्या, मतलब एक तो होता ना कि बिल्कुल सादी सी बैक हो किसी लैपटॉप की। और आप देख लें इन्होंने जो है ना अपना कस्टमाइज जो है लोगो प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम प्रोग्राम जो है इन्होंने ऊपर अपना कस्टमाइज लोगो लगवाया गवर्नमेंट ने और साथ जो है लिनोवो की ब्रांडिंग भी हुई हुई है इसके ऊपर। तो यार अगर आपको मैं बता सकूं तो काफ़ी ना प्रीमियम फील करवा रहा है, आप इसको हाथ में पकड़ते हैं तो काफ़ी प्रीमियम लुक आ रही है इसकी। चलें जी अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको ज़रा हम ओपन कर लेते हैं जी लैपटॉप को। और ये हमारा जो है लैपटॉप वो ओपन हो गया है और यार माशाल्लाह क्या खूबसूरत लैपटॉप है यार, इतनी साफ स्क्रीन। और इसको ज़रा हटाते हैं साइड पे और ये आप देख लें अगर क्या खूबसूरत सा इन्होंने बनाया हुआ है, टच पैड इन्होंने दिया है, मतलब कि इसी के अंदर बटन्स हैं आपके। और ये ऊपर कैमरा सेटअप भी है, ऊपर लिखा हुआ है जी प्लीज़ रिमूव, अच्छा इसको रिमूव करना है, कैमरा अभी तक नहीं है। तो ये जो है यार ऊपर इंटेल i-Core 5 है जी और काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है और काफ़ी इजी टू हैंडल है और काफ़ी जो है ये लाइट वेट है। तो इसको ज़रा हम चलो ज़रा ऑन कर लेते हैं लैपटॉप को, अगर ये ऑन कहाँ से होगा जी, ये इसका यहाँ पे बटन है। चलें जी ऑन हो गया जी प्राइम मिनिस्टर यूथ लैपटॉप स्कीम और काफ़ी फास्ट है यार ये ऑन भी हो गया। देखें बटन दबाने की देर पड़ी है और हमारा लैपटॉप जो है वो ऑन भी हो गया और बाकी तो बाकी इन्होंने जो है लोगो भी अपना ही लगाया हुआ है ऊपर, आप कह लें कि डेस्कटॉप के ऊपर लोगो भी इनका अपना लगा हुआ है। और काफ़ी फास्ट है यार लैपटॉप, मैंने अभी यूज़ तो इतना नहीं किया लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है यार क्योंकि 12th जनरेशन है ये और काफ़ी खूबसूरत प्रीमियम लुक देता है आपको और आप इजी टू यूज़ है यार, आप इसको इजीली आप कैरी कर सकते हैं इसको, आप देख लें। और इसकी खासियत ये है कि ये 180 की डिग्री पे ये मूव हो जाता है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं अभी ये बिल्कुल नीचे फ्लैट होके लेट गए और आप इसको जो है ऐसे उठा भी सकते हैं, तो ये 180 के डिग्री पे बिल्कुल जो है ना ये लेट जाता है। तो खैर ये तो हमारा लैपटॉप है, इसकी ज़रा अंदर जाते हैं जी, PC वगैरह को ओपन करते हैं। तो PC वगैरह में आप देख लें जी इसके अंदर लिखा हुआ है जी इसकी जो चलो जो मेमोरी अवेलेबल है फ्री है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही यार, लोकल डिस्क C तो है लेकिन लोकल डिस्क जो है वो D क्यों नहीं है, तो D होनी चाहिए कि नहीं इस बात का तो मुझे नहीं पता, अगर आपको कोई समझ आ रही है तो मुझे बताइएगा। व्यूअर्स इसके अंदर ना एक चीज़ मुझे समझ नहीं आई वो ये कि जो लैपटॉप है ना ये वाला इसके अंदर लोकल डिस्क C है, लोकल डिस्क D या E वगैरह नहीं है। अब पता नहीं वो इसका कोई फ्लॉ बैक है ये वाला कि D नहीं है इसके अंदर या पता नहीं कोई सेटिंग वगैरह है इसकी, अगर आप इस बारे में जानते हैं तो मुझे लाजमी बताइएगा क्योंकि आप देख लें इसके अंदर तो ये लोकल डिस्क C है इसके अंदर, इसके अंदर लोकल डिस्क जो है वो D नहीं है। अब D पता नहीं शायद क्रिएट करनी पड़ेगी या क्या चक्कर है, अगर आपको पता है क्रिएट करने का तो मुझे लाजमी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। चलें लैपटॉप तो आपने देख लिया है, अब इसको ज़्यादा टाइम हम नहीं देते, चलिए आपको मैंने इसकी लुक वगैरह भी दिखा दी, आपको मैंने बता दिया कि काफ़ी फास्ट लैपटॉप है हमारे पास और
इसका जी हमारे पास बैग है, वो जरा बैग की जरा ओपनिंग अप करते हैं, जरा अभी बैग को जरा खोलते हैं जी। ये हमारा बैग आ गया और ये बैग की लुक भी यार काफ़ी अच्छी है, ऊपर इन्होंने अपना लोगो दिया हुआ है और क्वालिटी भी इसकी आप कह लें कि इसकी क्वालिटी को मैं नंबर देता हूँ जी 8/10, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का है यार। और इसको ज़रा हम ओपन अप करते हैं, ये चलें जी ओपन ही है, ऑलरेडी ओपन है। तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी मतलब कि स्पेस है और लैपटॉप रखने के लिए जो पीछे जगह बनी हुई है, इसको ज़रा ओपन कर लेते हैं। चलें ये लैपटॉप वाली जगह आ गई लैपटॉप रखने के लिए, और आगे भी जो है ये पॉकेट्स वगैरह इन्होंने बनाई हुई हैं इसकी, ये आगे भी पॉकेट्स वगैरह हैं अगर आप इसमें भी कुछ चीज़ें रखना चाहते हैं। तो ये हमारी जी अनबॉक्सिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी यही लोगो है और वहाँ पे भी यही लोगो है। तो काफ़ी यार खूबसूरत इन्होंने एक तोहफा दिया है और मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। और डब्बे के अंदर यार बाकी चीज़ें तो हमने देखी नहीं, चलो ये लैपटॉप तो हो गए। तो डब्बे के अंदर हमारा जी ये रहा हमारा बॉक्स और इसका चार्जर वगैरह भी, ये चार्जर, ये इसके चार्जर आ गए ये, अब मुझे तो नहीं पता इसको क्या कहते हैं, और ये मतलब कि चार्जिंग के लिए है, इसका चार्जर है ये। तो हमारी जो अनबॉक्सिंग है मुझे उम्मीद है कि आपको लाजमी पसंद आई होगी, अगर आपको पसंद आई है तो जी इसको लाजमी आपने नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है मुझे। व्यूवर्स मुझे तो ये लैपटॉप काफ़ी अच्छा लगा है क्योंकि ये काफ़ी लाइट वेट है और काफ़ी अच्छी इसकी लुक आ रही है, और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। और जितने लोग जो लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इतने लोग हो सकते हैं कि जो शायद लैपटॉप ना ले सकते लेकिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के इस अच्छे इनिशिएटिव की वजह से वो शायद लैपटॉप हासिल उन्होंने कर लिए। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव था, सबको लैपटॉप मिल गया, जिनको नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का जो व्लॉग था वो प्रॉपर अनबॉक्सिंग थी लैपटॉप की, और मुझे उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दुआ है कि यार जिन जिनके नाम सिलेक्टेड में आ गए ना, उनको जल्दी जल्दी जो है अब लैपटॉप मिल जाए ताकि वो भी जल्द से जल्द इसकी अनबॉक्सिंग करें। तो एक चीज़ आपने मुझे लाजमी बतानी है, वो ये कि इसके अंदर ना लोकल डिस्क डी नहीं थी शो हो रही है, पता नहीं वो क्यों नहीं शो हो रही है, शायद बनानी पड़ेगी। अगर आपको पता है वो कैसे बनाते हैं तो मुझे लाजमी अपने कमेंट सेक्शन के नीचे बताना है। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल खुर्रम मलिक व्लॉग्स, मुझे नहीं इजाजत, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।